सो भाई ट्रेन आ रही है सामने से, वाइट कलर की जो लाइट है वो देख लो। मैं एकदम स्टेशन के स्टार्टिंग में आकर रुका हूँ ताकि इसका फ्रंट जो है वो कैप्चर हो पाए आते वक्त। सो देखते हैं कहाँ आगे स्टॉप करते हैं। हेलो, अब आ रही भाई दिख रही बड़ी तेज़ी से आते हुए स्पीड में, दिखे कि नहीं वैसे क्या स्पीड आ रही है। हवा तो बहुत तेज़ आ रही भाई उसकी गाड़ी आने से, फिर भी स्पीड में ही आ रही है। चलो एक्चुअल बुलेट ट्रेन में जो 350-450 स्पीड होती है उनमें तो नहीं बैठा हूँ, बट सबसे चीपेस्ट और चीपेस्ट में सबसे फास्टेस्ट यही बुलेट ट्रेन है। तो भाई फाइनली आ गई है बुलेट ट्रेन, ये रही पीछे ट्रेन, चलते हैं अंदर सीट में बैठने के लिए। जी सलाम। तो यहाँ पे मुस्लिम है आधी से ज़्यादा आबादी, ऑलमोस्ट पूरी आबादी मुस्लिम है, तो सलाम चलता है। ये टेल्को के साथ में इनका कुछ आई गेस टाई अप है और मेरा जो बोगी नंबर है वो है सेकंड, तो पहले उतर जाएंगे उसके बाद चढ़ते हैं। इकोनॉमी क्लास है क्योंकि उसमें ई लिखा हुआ है कुछ ऐसी। मेरा बहुत तमिल लेवल लग चुकी है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, देखते हैं कैसा है। और हाँ, आपको उज़्बेकिस्तान में कोई भी ट्रेन बुकिंग बुक करते हो आप तो ई टिकट वैलिड है, आप ई टिकट पर आ सकते हो, तो प्रिंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट मैंने सेफ्टी के लिए ले लिया था जस्ट टू चेक, तो आपके लिए आगे कंफर्म रहेगा, ई टिकट लेके आओ, दैट्स इट। किसी भी स्टेशन पर ताज ट्रेन में भी जाओगे तो भी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सीट नंबर है 11, ये रही एंट्री। मेरी है 11 लेने की उस साइड पे होगी। लेट्स सी, एक्सक्यूज मी, तो भाई मैं आ गया हूँ इस टॉयलेट के अंदर, कुछ ऐसा दिखता है टॉयलेट, एयरक्राफ्ट की तरह ही है, बस ऑर्डर थोड़ी सी जो है यहाँ की वो ख़राब लग रही मुझे, मुझे भी तो इस तरह तक में सही नहीं लग रही थी, तो मैं चला आया वॉशरूम के लिए। तो ये है कुछ ऐसा, सो फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। ये रहा रेलवे स्टेशन बगजरो बगजाल, और मैंने इंडेक्स बुक की है 17,500 यानी कि 107 रुपये समथिंग की पड़ी मुझे, 117 रुपये की है, 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट है राउंड ऑफ में, सो ऑलमोस्ट आ गई है। चलते हैं फिर देखते हैं हॉस्टल पे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, मैं हूँ खुर्शीद, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं इस वक्त हूँ बुखारा में और नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। और मैंने जो अपनी हॉस्टल बुक किया है इसका नाम है रूमी हॉस्टल, विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 9-10 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन ऑफ बुखारा वन। तो कुछ ऐसा दिखता है जो हॉस्टल मैंने बुक किया है, ये एक्चुअली हॉस्टल की हवेली पूरी बनी हुई है, इसमें बहुत सारे रूम बने हुए हैं। मेरा हॉस्टल रूम का अंदर जाके है, शूज़ उतारने पड़ेंगे तो मैंने ऑलरेडी पहन लिए, यहाँ से एंट्री है। तो कुछ ऐसा दिखता है, ये फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, ये किचन एरिया है यहाँ के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, और जो मेन है वो एंट्रेंस उधर है, एंड ब्रेकफास्ट भी वहीं पे अवेलेबल है, तो देख लो भाई। तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है, इधर से मैं आया था एंट्री लेके, खा पी लेता हूँ फिर बाहर का दिखाता हूँ और फिर रेलवे स्टेशन चलते हैं। हेलो एवरीवन, मैंने खाना वाना जो भी था ब्रेकफास्ट कर लिया है। यार अभी सुबह उठ के तो मेरे को बड़ा शौक लग गया कि
यहाँ बुखारा में ट्रांसपोर्ट ऑप्शन कुछ है ही नहीं, बसेस मैप में दिखा रहा है बट यहाँ से जिस लोकेशन पर मैं हूँ एक्चुअली ये ऑलमोस्ट सिटी सेंटर के आस के पास है और यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन जाने के लिए सिर्फ एक ही बस मिल रही है, वो 232 है जो कि यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है स्टेशन, मुझे वहाँ से लेना पड़ेगा। रात में मैं आया था 17,000 सोम में और अभी 25,000 सोम दिखा रहा है। ऐसे तो भाई शहर कोई घूम चुका, फिर तो पैदल पैदल कितने लंबा चलेगा यार। एक मेन लोकेशन तक पहुँचने के लिए टैक्सी बुक करो, फिर उसके नियर बाय लोकेशन जो है पूरा पैदल वॉक करते रहो जितना भी है, क्योंकि बस तो मिलेगी नहीं, मेरे को तो यही दिख रहा है। मैप में नेविगेट करके जाता हूँ आगे सेंटर की तरफ, वहाँ से देखता हूँ कुछ मिलता है कि नहीं बस वगैरह। और ये कुछ आसपास का नज़ारा देख लो, ये है मेरा हॉस्टल, देख लो हॉस्टल कम हवेली ज़्यादा लग रहा है। सी ये सिर्फ बाहर से है और अंदर से भी ना इसके पीछे का पूरा एरिया दिया हुआ है, तो ये कुछ ऐसा है आसपास का। चलता हूँ मैं आगे, देखता हूँ भैया क्या ऑप्शन है मेरे पास में, क्या ऑप्शन नहीं है, फिर देखेंगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा मेन मोटिव है सबसे पहले ट्रेन ऑप्शन ढूंढना दुशानबे जाने के लिए, जो कि पड़ता है ताजिकिस्तान में। सो सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करूँगा, उसके बाद कुछ घूमूंगा मैं, क्योंकि कल का दिन भी है तो मैं मॉर्निंग में जल्दी निकल के घूम सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो भाई बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, कुछ ऐसा है ये भाई समरकंद की तरह ही है और ये जितनी भी बसेज है ना 70 नंबर है, इन पर लिखा हुआ है। और जो मैंने अभी बात किया था यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, उससे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि 68 नंबर है। तो ये इंडेक्स में मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है यहाँ जाने के लिए, बट 68 में बैठ के देखता हूँ मोगजाल में। और आई थिंक मशीन लगी हुई है टैप एंड पे करने के लिए, अदरवाइज कैश पे कर दूँगा, तो कोई इतना इशू नहीं है। वेट करता हूँ 68 नंबर के लिए, चलते हैं वेट करते हैं 68 के लिए, 68 आएगा तो सीधे वहीं जाएंगे मोगजाल पे। भाई फ़िलहाल मुझे बस तो नहीं मिली है, बस जो मैंने पहले चेक किया था 232 जो कि मेरे लोकेशन से 3.5 किलोमीटर दूर था, वहीं से लेना पड़ेगा। अभी मैंने कैब बुक की है डायरेक्टली वहाँ जाने के लिए, तो कैब आ रही है, कैब से पहुँचता हूँ मैं। कि सिटी में ड्राइव मतलब सिटी में आपको ट्रांसपोर्ट ऑप्शन मिलेगा बस का मिलेगा, बट एयरपोर्ट के उसके लिए आपको एयरपोर्ट के लिए और रेलवे स्टेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्ट नहीं है हर जगह से। जहाँ से फिलहाल मैं हूँ जिस लोकेशन पर वहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं है, एक ही बस है वो भी 3.5 किलोमीटर दूर। टैक्सी मेरी रोड के दूसरी साइड पर खड़ी है, आ गई है बस, मैं चलता हूँ, फिर आपको रेलवे स्टेशन में पहुँच के अपडेट करूँगा जो भी अपडेट रहेगा। अभी मैं जिसमें हूँ बुखारा में नियर बाय का सारा, बस ऑप्शन अवेलेबल हैं सेम जैसे समरकंद कहते हैं छोटे वाली मिनी बसेस, कहीं कहीं पर टैप मशीन वर्क कर रही हैं, कहीं कहीं पर नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे कैश ज़रूरी है, कैश रखे रहो अपने पास में। तो ये हैं यहाँ के सारी मिनी बसेस छोटी छोटी हैं और कुछ मॉडर्न बसेस भी हैं। भाई ये है पार्किंग एरिया, यहीं पे आपको सारी टैक्सियाँ मिलेंगी और ये है आपका रेलवे स्टेशन बगजोरो वगजाल, वगजाल आपका रेलवे स्टेशन के लिए बोला जाता है। और ये है टिकट हाउस, सामने ट्रेन भी खड़ी है और जो यहाँ पे बस आ रही है जा रही है वो 378 है और 378 में स्पेशली लिखा हुआ है कोगोन बड़ा बड़ा, तो ये कोगोन रीजन पड़ता है जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है। सो आप कभी भी बैठो किसी से तो आप बोल दो भाई कोगोन, कोगोन रेलवे स्टेशन, कोगोन बगजाल, तो वो बस ड्राइवर अगर जानता होगा तो आपको सही से बोलेगा बैठ जाओ बैठ जाओ। तो फिलहाल अभी दो ही बस मुझे मिली हैं जो कि यहाँ से सामने से जाती हैं, सो 378 और दूसरा है 68 जिसमें मैं बैठा हुआ था और मैं उतर गया, मुझे उतरना नहीं चाहिए था। सो कोई नहीं, मुझे जाने को तो मिला ना, अब यहाँ से मैं 68 के थ्रू ही जाऊँगा वापस। सो ये नियर बाई है पूरा, अब चलते हैं टिकट स्टेशन पे टिकट परचेज़ करने के लिए, देखते हैं क्या अपडेट है, कौन सी ट्रेन अवेलेबल है कौन सी नहीं अवेलेबल है।
इतना इजी नहीं है यहाँ पे नेविगेशन का, थोड़ा सा अटपटा सा है। और ये आई थिंक सामने देखो लिखा हुआ है, जो टिकट काउंटर है ना उस पर ये लोग लिखे रहते हैं काका। ये एंट्री के लिए है, टिकट काउंटर सामने है, चेक करते हैं, पूछते हैं क्या है। तो मैं अभी ट्रेन स्टेशन में आ गया हूँ। ये टिकट काउंटर जो मैंने बाहर से आपको दिखाया था, और पीछे सारे मेरे काउंटर लगे हुए हैं। सो अभी देखता हूँ क्या कोई ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे लिखा ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स एंड ऑल्सो गेटिंग एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स। तो जो मेरे पास में मैंने इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स निकाली थी ना, उनकी रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ती है। सो एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे डिटेल्स के बारे में लिखी हुई कि रिक्वायर्ड थी। तो अभी आप बेफिक्र होकर ट्रैवल कर सकते हो। तो भाई गुड न्यूज़ है, मुझे ट्रेन टिकट मिल गई है, और ट्रेन नंबर जो है वो 320 है, डेट है 7 तारीख, ट्रैवल जो टाइम है ट्रेन का वो 14:54 यानी कि ऑलमोस्ट 3 बजे है, 6 मिनट पहले, और मेरी सीट नंबर है 001। और कुछ ऐसा दिखता है ट्रेन टिकट, ये है बैतो, और जो वैगन होता है वो आपकी अब कोच नंबर होता है, और जहाँ पे मैक्टा लिखा होता है, मैक्टा मीन्स होता है यहाँ पे सीट नंबर। और मैंने इसके लिए पे किए हैं पूरे 5 लाख उस दे की सोम, जो कि बनते हैं करीब 3300 रुपीज़। कभी भी कोई भी अगर बंदा बुखारा से ताजिकिस्तान जाना चाहता है बाई ट्रेन, तो सिर्फ एक ही दिन चलती है, जो कि आज का डे आप देख लो क्या है, 1 से 9 वीक चलती है, और 3 बजे की ट्रेन है होती है, 2:54 की इसकी डिपार्चर टाइम है, यानी कि सैटरडे को ही चलती है 1 से 9 वीक। चलते हैं बाहर, लूँगा बस वापस और पूरा बुखारा एक्सप्लोर करते हैं अपना। थोड़ा सा कैश भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कैश हो रहा है ख़त्म। पीछे रहा वो स्टेशन जहाँ से मैंने टिकट काउंटर, टिकट ऑफिस कह लो, जो पीछे की तरफ दिख रहा है वो मैंने वहाँ से लिया है, और उस साइड पर रेलवे स्टेशन है। तो टिकट ले ली है, ये एग्जिट एरिया है, पूरा पार्किंग एरिया है सामने की तरफ, जहाँ पे लोग जा रहे हैं अपना टैक्सी बस लेंगे, मैं भी जाता हूँ बस लेता हूँ। दूसरे शहर में आके ना हर जगह मनमौजी नहीं करनी चाहिए कि यहाँ से ग्रास में से दौड़ के भाग जाऊँ, क्योंकि कोई जा नहीं रहा है, रूल्स फॉलो करो ज़्यादा अच्छा है। और ये सामने सारे बैंक के ATMs लगे हुए, अपना निकाल लो पैसा। तो भाई बस स्टैंड ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सामने अगर आपको दिख रहा हो ट्रेन स्टेशन है, उधर से आप निकल के आओगे ना तो ये सामने आपको मिल जाएगा ऑटोबस बेकार। ये बस स्टैंड है, यहाँ से आप सिटी के लिए बस ले सकते हो। ये माशरूत का है, ये भी सब जाएंगी, और एक यहाँ पे फेमस बाजार है देखो, तो जैसे कि ये 378 ये वाली बस है, ये जाएगी इधर, जितनी भी छोटी वाली भी है ना, ये जितनी मिनी वैन्स है ये भी सब जाती है, इनके भी नंबर मेंशन है। तो सारे सारे रूट है, आप रूट में जा सकते हो। ये पूरा मार्केट का एरिया है, ये है ऑटोबस बेकार हो रहा सामने, मतलब आप यहाँ से एग्जिट करोगे अगर आपको एग्जिट मिलेगा तो। बाकी मैं ATM देख रहा हूँ, ATM देखिए कुछ पैसे निकाल लेता हूँ, पैसे कम है। उधर देखते हैं बी लाइन, क्योंकि छोटे छोटे जो बी वैन है ना इनमें कैश चलेगा, आपके कार्ड नहीं चलेंगे ना। टैक्सी दौरिक सोना, जैसे मैंने बताया था मेडिकल स्टोर है, देख लो पूरा ये है रेलवे स्टेशन। मैं उस काउंटर पर गया था वहाँ से लेने के लिए टिकट, और उधर घूम के इधर आया हूँ, और ये कैफ़े वगैरह है। ATM तो कोई दिख ही नहीं रहा है आसपास में, तो मुझे पहले ही निकालना पड़ेगा कुछ चेंज वगैरह। मैं निकलता हूँ आगे की तरफ, थोड़ा देखता हूँ वहाँ पे कैश ATM वगैरह लेके, उसके बाद फिर वापस लौटूंगा इधर।